एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जिनपद हाथरस के ब्लॉक सासनी में स्थित दरकोला गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 3 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर है। लगभग 1400 की आबादी व 1100 वोटरों द्वारा योगेश कुमार को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 150 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला में लगभग 75 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 23 हैंडपंप लगे हुए हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा खराब हैंडपंपों को भी रिपेयर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 60 विद्युत पोल, 7 विद्युत ट्रांसफार्मर व स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 150 इज्जत घरों का निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, खेल का मैदान, बारात घर, पशु चिकित्सालय, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की। नमस्कार, मैं योगेश चौधरी, ग्राम प्रधान दरकोला, तहसील सासनी, जिला हाथरस का निवासी हूँ। मैं इसी बार ग्राम प्रधान के रूप में चुना गया हूँ और मैंने अपने गांव में 3 इंटरलॉकिंग, 1 आरसीसी और 1 खंजा कराया है, जो राज्य और केंद्र सरकार से पैसा प्राप्त हुआ उससे गांव के नल और नलों के रिपोर आदि काम कराए हैं। और हमारे ग्राम में किसी ग्राम पंचायत का गठन इसी बार हुआ है। इससे पहले हमारी ग्राम पंचायत दरकोली में आती थी। इस बार दरकोला के रूप में हमारी ग्राम पंचायत का गठन हुआ है और हमारे यहाँ देश आज़ाद हुआ है जब से आज तक 80% गलियाँ कच्ची हैं, संपर्क मार्ग कच्चे हैं। मरगट है लेकिन उसकी बाउंड्री वाल आज नहीं हुई है। बरातघर की जमीन है लेकिन बरातघर नहीं बना है। सामुदायिक केंद्र नहीं बना है। कई चक्रोड़ों पर कब्जे हैं लोगों की, बहुत ऐसी समस्याएँ हैं। और मेरा केंद्र सरकार से यह निवेदन है कि हमारी ग्राम पंचायत के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धन दें जिससे हमारी ग्राम पंचायत का विकास कार्य कराने में कोई बाधा ना आए। हमारी ग्राम पंचायत के विकास कार्य कराने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम फंड की आ रही है। जो राज्य और केंद्र सरकार से पैसा दिया जाता है वो विकास कार्यों को देखते हुए ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर है, जिससे विकास कार्यों को सुचारू रूप से नहीं कराया जा रहा है। गाँव में पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। पूर्व में जो प्रधान थे उन्होंने पोखर तालाब काफ़ी दूर छिकवाए हुए हैं, वहाँ तक पानी की निकासी को ले जाने के लिए कम से कम 20 या 25 लाख रुपये के बजट की आवश्यकता पड़ेगी। उतना बजट ग्राम पंचायत में पूरे 5 वर्ष में भी नहीं आएगा। अतः मेरा केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ये निवेदन है कि हमारे ग्राम की समस्याओं को देखते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा धन आवंटित कराने की कृपा करें ताकि विकास कार्यों को सुचारू रूप से कराया जाए। तहसील सासनी, जिला हाथरस, यहाँ पर कार्य तो प्रधान जी अच्छी तरह करा रहे हैं लेकिन शासन की तरफ से प्रधान जी के पास कोई पैसा नहीं है, इसलिए कोई कार्य हो नहीं पा रहा है। इसी वजह से प्रधान जी क्या करें। नाम रामपरी देवी है। हमारे फूटे टूटे गड्ढा रहे, कोई सुनाई नहीं ले रहे हैं। और सरकार गरीब भी जान रही है प्रधान जी, तो सरकार से पैसा नहीं आ रहा है। हमारे हाथरस जिला ग्राम दरकोला, दीन नगर, पोस्ट लुटसाम, जिला हाथरस का रहने वाला हूँ मैं। ये हमारा टूटा फूटा आवास है और हमारे ग्राम प्रधान तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पर जो है केंद्र सरकार से पैसा ही नहीं आ रहा, तो ये लोग क्या कर सकते हैं बताइए इस चीज़ के लिए।